हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। ये वीडियो मेरे भैया की शादी एंड रिसेप्शन का दोनों ट्रेजर है। हमने सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ शेयर करें। आप लोग भी देखिए कि कितना आप कह सकते हैं रॉयल टाइप का इन लोगों की मैरिज एंड रिसेप्शन हुआ था। बहुत ही रॉयल था, आप लोग को देखने से ही लग जाएगा। और इसमें मैं रेड कलर की साड़ी वेयर की हुई। ये है मेरी भाभी, जो रिसेप्शन का शूट है। ये अभी मैरिज का आएगा, उसके बाद रिसेप्शन का। देखिए हम दोनों बहनें एंड भाई भाभी। एक होता है यार, ये जो पल होता है ना, वाकई में आपको बताएं बहुत ही यादगार पल होते हैं। और यहाँ पे हो रही है बारात में इंजॉय, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हुआ था। हमने बहुत इंजॉय किया था अपने भाई की शादी में। बट एक चीज़ होता है, यहाँ मेरे डैडी हैं, डांस करते हुए कभी लाइफ में उन्होंने डांस नहीं किया होगा। बट वही है कि बेटे की शादी का ये कितनी खुशी रहती है आदमी को कि क्या ही बोला जाए। चाहे बहू आती है चाहे दामाद आता है, तो माँ बाप की खुशी ही अलग होती है। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली साथ में है और यहाँ पे मेरी भाभी आने वाली हैं। हम हस्बैंड वाइफ गए थे, देवर गए थे, सभी लोग भैया की शादी में गए थे। और आपको बता दें, ये मोमेंट आप लोग को भी देख के अपने शादी की तो याद आ ही जाते होंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छे से याद आ गया था अपना मोमेंट। और बहुत अच्छे कपल से लोग थे, मतलब क्या ही बोले। और ये जो टाइम था ना, मतलब कुछ कहने वाली बात नहीं है कि मतलब क्या खुशी थी, आपको कैसे बताया जाए। बट ये होता है ना कि मतलब आप घर की लड़की हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मम्मी अकेली थी, मुझे सब कुछ देखना था। यहाँ पे हम भाई हैं, हस्बैंड, बाबा, पापा, चाचा लोग सभी लोग हैं। कुछ ये लोग लड़कियों की तरफ के हैं, भैया के फ्रेंड्स हैं। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट उन लोग ने किया था। और ये है कुछ ऐसा रिसेप्शन का लुक, आप लोग देखिए कितना रॉयल है, मतलब क्या ही बोले। बहुत अच्छे तरीके से भैया का रिसेप्शन हमारे हुआ था। एक इस मतलब होता है ना, जैसे कि आप कह सकते हो कैमरामैन भी बहुत बाहर से आए थे, ये नहीं कि उसी सिटी से कैमरामैन थे। आप लोग को ये ट्रेजर्स देखने से ही पता चल जाएगा कि कितना रॉयल वे में हुआ था। बहुत ही अच्छा इन लोग का अरेंजमेंट था और बहुत ही खूबसूरत हमारी भाभी लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने येलो मस्टर्ड येलो, ये मेरा बेटा है, आप लोग देखिए कितना क्यूट था। उस समय उजश अपनी मामा की शादी में 3 ईयर्स का था, बहुत छोटा था और मतलब इतना खूबसूरत था कि क्या बताएं। यहाँ पर इन लोग की फ़ोटो वगैरह शूटिंग कुछ कुछ हो रही थी, फिर इधर अब लोग इंजॉय कर रहे थे। मतलब क्या बोला जाए यार, आप लोग देख रहे होगे ना कितना अच्छा लग रहा है इन सब चीज़ों को देख के, ना अपनी लाइफ याद आ जाते हो। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हम लोग हैं, मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड लोग गए थे और उनकी मम्मी वगैरह भाभी की थी। और यहाँ पे इन लोग की शूटिंग होने के बाद हम लोग खूब हंस रहे थे। देखिए भैया भी स्माइल करने लगे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सिस्टर लोग परेशान कर रही थी इनको, भाभी लोग को अपने। और फिर यहाँ पे सब कुछ होते हुए एक यार ये पल जो था ना, मतलब हम लोग याद करते हैं तो बड़ा अजीब सा होता है। फिर ये मोमेंट तो आप लोग देख के रो ही दोगे, मैं तो बता रही हूँ इतना रोई हूँ मैं इसको वॉइस ओवर करते समय, क्या बताऊँ। क्योंकि एक माँ के लिए अपनी बेटी को विदा करना, मतलब कलेजे को पत्थर रखना। ये मेरे मौसी के बेटे हैं, इन्होंने ही ताक पाक भैया का दिया था, जो हमारे यहाँ बोला जाता है भसूर लोग देते हैं, तो वो भसूर थे इसलिए उन्होंने दिया था। और ये समय जो मतलब इतना हर्ट टच करता है ना, ये हर्ट पे कि क्या बोला जाए। मैं जब ये वीडियो दे वॉइस ओवर की, मैं इतना रो रही थी, मतलब रुक रुक के मुझे करना पड़ रहा था। भाभी ने विदाई में बहुत रोया था, बहुत रोया था। और हम लोग के यहाँ एक्चुअली होता है क्या है कि ट्यूसडे को और संडे को मॉर्निंग में 5 बजे तक विदाई हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ उसके बाद विदाई नहीं की जाती। इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि विदाई को टाइम से करना था। और ये एक लड़की के लिए मतलब बहुत भावुक पल होता है कि माँ बाप पैर छूते हैं, कन्यादान देते हैं। आप लोग समझ सकते हो जो जो इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं इन चीज़ों को देख के, मैं अपना देख के रो रही थी। और देखिए यहाँ पे भाभी हमारी रोना स्टार्ट कर दी, उनकी सिस्टर हैं और भाभी लोग भी थी। यहाँ पे सिंदूरदान वगैरह पड़ गया था, मतलब क्या बोलें हम, अजीब टाइप का ये सिचुएशन होता है एक लड़की को अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना और वहाँ एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत वीक हमारी भाभी है और आज भी वो वैसे ही रह गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और मासूम है, वाकई में रियलिटी में बताऊँ तो बहुत खूबसूरत और मासूम है। यहाँ पे शादी संपन्न होने के बाद जो लावा वगैरह, मेरे बाबा बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। बाबा हमारे भैया के मतलब एक कलेजे के टुकड़े की तरह हैं, इतना मतलब मानते हैं मेरे बाबा। और यहाँ पे होने लगी विदाई, इस पल को देख के आप खुद रो दोगे, हम तो रोए ही, आप लोग भी बहुत रोगे। मुझे ये चीज़ें अजीब सी फील होती, मैं अपने टाइम को याद करके बहुत रोई। जब जब मैं ये वीडियो देखती थी तब तब ये इनके पापा हैं, ये भाभी के भाई हैं और उनकी सिस्टर हैं।
सभी लोग गाड़ी में बैठा रहे थे, ये क्या ही बोला जाए, ये समय ऐसा है कि कुछ कहने लायक नहीं है। बहुत इन्होंने रोया था, और माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर में एडजस्ट होना, अनजान पर्सन के पास रहना, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है यार, क्या ही बोला जाए। कि फ़िलहाल सब कुछ हो गया था, 5 बजने में टाइम था, इसलिए विदाई पहले ही कर दी गई थी क्योंकि लेट ना हो, इसीलिए फिर यहाँ पे हम लोग भी निकलने वाले थे। तो चलिए, आप लोग ने देखा कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते कि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करिएगा, एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। बाय बाय।